नमस्कार, मैं प्रिया। आज 24 अगस्त, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,20,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,247 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों का आंकड़ा 1,22,156 पर पहुंच गया है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 47, अरवल में 16, औरंगाबाद में 57, बांका में 25, बेगूसराय में 159, भागलपुर में 115, भोजपुर में 71, बक्सर में 24, दरभंगा में 38, पूर्वी चंपारण में 76, गया में 81, गोपालगंज में 36, जमुई में 10, जहानाबाद में 42, कैमूर में 16, कटिहार में 96, खगड़िया में 18, किशनगंज में 71, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 97, मुंगेर में 35, मुजफ्फरपुर में 127, नालंदा में 70, नवादा में 21, पटना में 203, पूर्णिया में 79, रोहतास में 49, सहरसा में 120, समस्तीपुर में 37, सारण में 65, शेखपुरा में 13, शिवहर में 14, सीतामढ़ी में 58, सिवान में 43, सुपौल में 56, वैशाली में 41, पश्चिम चंपारण में 43। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 98,454 मरीज ठीक हो चुके हैं और 610 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार ने की केंद्र सरकार से 2 कोबास मशीन की मांग। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की आरटीपीसीआर जांच को लेकर 2 कोबास मशीन की मांग की गई है। इन दोनों मशीनों से आरटीपीसीआर की जांच की क्षमता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर आरटीपीसीआर जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए 2 कोबास मशीन की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि 2 कोबास 8,800 मशीन के अतिरिक्त आरटीपीसीआर मशीन भी लगाने की तैयारी जारी है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर पुल निर्माण के लिए आगे आई 7 देसी कंपनियां। गांधी सेतु के समानांतर पुल निर्माण के लिए 7 देसी कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है, जिसके तहत पिछले महीने 31 जुलाई को सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से निवेदन की गई थी, जिसमें टाटा सहित 7 कंपनियों के नाम का खुलासा हुआ है। कंपनियों के तकनीकी मूल्यांकन का काम किया जा रहा है। इसके बाद 4-लेन पुल बनाने की जिम्मेदारी देश के 7 कंपनियों में से किसी एक को दी जाएगी। जिन कंपनियों ने आगे आकर अपनी रुचि दिखाई है उसमें टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, L&T लिमिटेड, ग्यामन इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स वेट लिमिटेड, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, DVL HCC संयुक्त उपक्रम, ABL संयुक्त, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नाम शामिल है। बगहा में गंडक नदी में कटाव हुआ तेज। बिहार के बगहा में गंडक नदी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे कटाव भी तेज हो गया है। कटाव को लेकर लोगों में परेशानी साफ तौर पर देखी जा रही है। सूचना के बाद जल संसाधन विभाग की टीम काम में जुट गई है। इसके साथ ही फ्लड फाइटिंग कार्य के बाद भी गंडक नदी का दबाव बना हुआ है और तटबंध का कटाव भी जारी है। जल स्तर में भी कमी के बाद नदी का पानी का प्रभाव सीधे मंगलपुर समेत शहर के रिहायशी इलाकों की तरफ नदी के धारा में देखने को मिल रहा है। तीव्र धारा से बांध पर कटाव तेज हो गया है। इतना ही नहीं, नदी लगातार बांध से टकरा भी रही है। हालांकि पिछले साल यहां बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी साल भर में बांध कटकर नदी में गिरने लगा है, जिससे ग्रामीणों में परेशानी का माहौल है। आज बिहार के सभी DM के साथ बैठक करेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं अब कोविड-19 के संक्रमण में भी चुनाव प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद आज चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है। इस अहम बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी से बातचीत की जाएगी। इस दौरान कई अन्य अफसर के मीटिंग में मौजूद होने की खबर भी सामने आई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास राजू के सभी जिलों के DM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। इस अहम बैठक के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अफसर की हुई छुट्टी। कोविड-19 के माहौल में लगातार स्वास्थ्य विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे। अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विपक्ष में भी सरकार को लगातार निशाने पर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी बीते दिन एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। कोविड-19 के माहौल के बीच सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर को सख्ती दिखाई है और सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अवर सचिव के पद पर तैनात विवेकानंद ठाकुर को पद से हटा दिया है। इतना ही नहीं, उनके संविदा को भी समाप्त कर दिया गया है। पटना के कंकड़बाग में बने पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। पटना के कंकड़बाग में बने पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन उद्घाटन किया है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद दिखाई दिए। आपको बता दें, कंकड़बाग में बनाया गया पार्क दूसरा सबसे बड़ा पार्क है, जो 1 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। 2,40,000 वर्ग फीट में फैले इस पार्क के खुलने के बाद इलाके में लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं बता दें कि कंकड़बाग के पाटलिपुत्र खेल मैदान के पास मलाही पकड़ी में टेम्पो स्टैंड तक लगभग 1 किलोमीटर दूरी तक इस पार्क को देखा जा सकता है। इस पार्क का कुल मिलाकर 4 करोड़ की लागत में 2,40,000 वर्ग फीट में निर्माण करवाया गया है। सुबह सुबह टहलने वालों के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाया गया है।
बिहार में प्रशासनिक स्तर पर हुआ बड़ा फेरबदल। बिहार सरकार के अंदर तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के आदेश पर राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2018 बैच के 10 अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किए जाने की बात भी कही गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 39 अधिकारी बदल दिए गए हैं, जिसके बाद कुल मिलाकर 49 अनुमंडल के नए अनुमंडल पदाधिकारी की तैनाती हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पदस्थापना और तबादले में संबंधित अधिसूचना रविवार को जारी कर दी है। साथ ही 10 IAS अफसरों की अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर तैनात की गई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे भिखारी ठाकुर की। भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के गीतकार नाटककार के रूप में पहचाने जाते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर भी भिखारी ठाकुर को कहा जाता था। भिखारी का जन्म बिहार के सारण जिले में एक गांव में नव परिवार में हुआ था। शुरुआती समय में उन्होंने कई जगहों पर काम किया था और उसके बाद कोलकाता और फिर आगे जगन्नाथपुरी में जाकर भी उन्होंने खूब काम किया था। भिखारी ठाकुर को रामलीला का बहुत ही शौक था। लोगों की माने तो उन्हें इतना शौक था कि उन्होंने अपनी खुद की मंडली भी बना ली थी। उस मंडली के लिए खुद नाटक और गीत की रचना भी वो करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने खुद ही नचनिया, एक्टर और सूत्रधार के रूप में काम भी किया था। धीरे धीरे उनके मंडली में भोजपुरी इलाके के बहुत प्रसिद्ध लोग भी जुड़ते गए, जिसके बाद उनकी रचना पटना और बनारस के किताबों में देखने को मिली। सीबीआई की टीम पहुंची सुशांत सिंह राजपूत के कुक और दोस्त से पूछताछ करने। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अब मामला पूरा सीबीआई के हाथ में है। वहीं अब सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर पर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर पर जाकर 14 तारीख के सीन का रिक्रिएशन किया था। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया है कि सीबीआई टीम जांच कर रही थी कि क्या उस कमरे में जहां पर उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश पंखे से लटक कर की थी वो संभव है या नहीं। इस मामले में तीसरे दिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से भी पूछताछ की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय की तैयारी हुई पूरी। जहां एक तरफ बिहार पुलिस कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन का अनुपालन करवाने में लगी हुई, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग, पुलिस मुख्यालय और बिहार की सभी पार्टी अपने अपने स्तर से इसकी तैयारियों में जुट गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय की तरफ से ADG जितेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सफल करवाने के लिए हम कटिबद्ध है। इसको लेकर मुख्यालय पूरी तरह से तैयार है। बिहार में 10 IAS अफसरों का हुआ तबादला। बिहार सरकार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन बिहार सरकार ने 10 IAS अफसरों की नई पोस्टिंग कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर अधिकारियों की पदस्थापना की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप वैभव श्रीवास्तव को SDO आरा सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर आनंद को SDO बघा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निखिल धनराज को SDO जहानाबाद की, नितिन कुमार सिंह को SDO पटना सदर की, अनीता बैंस को SDO मोहिनिया की, अभिषेक रंजन को SDO मधुबनी सदर के, आशुतोष द्विवेदी को SDO मनिहारी की, विनोद दोहान को SDO दानापुर, श्रीमती साहिला को SDO नरकटियागंज, प्रतिभा रानी को SDO जमुई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा ने दिया नया नारा। बिहार में पटना में भाजपा के दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति के अंतिम दिन वर्चुअल बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर नया नारा दिया है। जहां भाजपा ने कहा है, भाजपा है तैयार आत्मनिर्भर बिहार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधित किया था। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई सरकार और ना ही सेवा करने का भाव। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि NDA नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में जाएगी और 3/4 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। जदयू छोड़ने वाले पूर्व मंत्री श्याम रजक ने बिहार की शिक्षा की स्थिति पर उठाए सवाल। बिहार में पूर्व मंत्री और राजद नेता श्याम रजक ने राज्य की शिक्षा की बदहाल स्थिति होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है परंतु धरातल पर स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में अनुसूचित जाति वर्ग की साक्षरता दर सबसे कम 48% दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि 10वीं तक ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या कुल छात्र छात्राओं के तकरीबन 48% है। अनुसूचित जाति में यह आंकड़ा 58% है और 3% अनुसूचित जाति के छात्रों का दाखिला हुआ है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर सरकार सच में इतना काम कर रही है तो ऐसी स्थिति क्यों है। मौसम विभाग ने पटना सहित 14 जिलों में जारी की सतर्कता। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से पटना सहित कई जिलों में रविवार को रुक रुक कर बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण धीरे धीरे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बिहार के 14 जिलों में तेज बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस वक्त मॉनसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के अजमेर तक गुजर रही है। मौसम विभाग ने पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जहानाबाद से अरवल, समस्तीपुर, बेगूसराय,
बेगूसराय और भोजपुर में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। नित्यानंद राय ने नेपाल से बातचीत होने की कही बात। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार में बाढ़ को लेकर चिंता जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने नेपाल से लगातार बातचीत होने की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने समय के अंतराल में नदियों का स्वभाव और उद्देश्य बदलने की जानकारी भी दी है। इन सब का अध्ययन भी किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बढ़ रहे बाढ़ की रोकथाम के लिए नेपाल में बाढ़ हाइड्रो पावर बिजली उत्पादन और पूरा खर्चा करने का तैयारी पूरी कर ली है। आने वाले समय में बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल बिहार बाढ़ के प्रभाव से गुजर रहा है। 16 जिले के 83 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ का दंश झेल रही है। मगध प्रमंडल के 78 मत्स्य पालकों को दी गई सब्सिडी। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मगध प्रमंडल के मत्स्य विभाग के उपनिदेशक गौरी शंकर से मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की है। साथ ही मंडल के सभी जिलों में मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति का हाल जाना है। मंत्री ने कहा है कि बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। बिहार से मछली को नेपाल, झारखंड, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, लुधियाना आदि स्थानों पर आपूर्ति किया जा रहा है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में बिहार देश में चौथे स्थान पर पहुँच गया है। वहीं इस मौके पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मगध प्रमंडल की तरफ से 78 मत्स्य पालकों को वाहन की खरीदारी करने के लिए 1.69 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का भी दावा किया है। जदयू के एक और नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ। जदयू को अब रोहतास जिले के करारा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार दिनारा विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी करते हुए नगर पंचायत कोआथ के मुख्य पार्षद धर्मेंद्र चौधरी ने जदयू छोड़कर राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके तहत बीते दिन रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम में राजद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र चौधरी ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है, जहाँ पर पूर्व मंत्री वृषण पटेल तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने धर्मेंद्र चौधरी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशान। बीते दिन भाजपा कार्यसमिति की बैठक में भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। वहीं इस मौके पर बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राजद को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है जिस वर्चुअल कैंपेन का विरोध राजद कर रही थी, वो बताए कि वो खुद डिजिटल मोड में है या नहीं। इसके साथ ही फेसबुक, ट्विटर, डिजिटल मीडिया वर्चुअल है या फिजिकल है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लालू राबड़ी के जंगल राज में जो बातें होती थी, वो उन बातों को तेजस्वी यादव दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि लालू यादव के 15 साल के शासनकाल में बिहार कितना पिछड़ा था। राजद ने सरकार में आने के बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करने का जारी किया आदेश। बिहार में करीब 1 लाख से अधिक शिक्षकों के नियोजन पर साल भर में ज्यादा समय से लटका हुआ है, और यही कारण है कि कोविड-19 तो कभी बाढ़ की वजह से शिक्षक नियोजन का काम बड़े मझधार में नजर आता है। इसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं। लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें। वहीं अब राजद ने शिक्षकों का मसीहा बनने की तैयारी कर ली और वो बनकर सामने आए हैं, जिसके तहत राजद की तरफ से शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया जा रहा है। राजद के राज्यसभा मनोज झा ने ट्वीट कर कहा है कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली जरूर होगी। 30 अगस्त को जीतनराम मांझी के एनडीए में या तीसरे मोर्चे में शामिल होने की बात होगी साफ। हम अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसके साथ तालमेल बनाने वाली है, इसका निर्णय 30 अगस्त तक लिया जाएगा। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी सभी दलों से बातचीत जारी है। बसपा, एनसीपी, एमआईएम, वाम दल से लेकर के यशवंत सिन्हा के लोगों से भी बातचीत जारी है। सभी मेरे नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे की तैयारी भी हो रही है। कांग्रेस के भी कई लोग की यही राय है कि हम की नीतियों में जो दल सबसे करीब होगा उसके साथ ही गठबंधन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में वापसी का कोई सवाल नहीं है। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने का किया दावा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में सभी उतरने जा रहे हैं, और इस बार तो जदयू के साथ लोजपा भी उतरने वाली है। एनडीए 3/4 के साथ सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन भाजपा अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यालय को चुनाव मैदान में उतरने को कहा है। आम आदमी पार्टी ने पटना में शुरू की डोर टू डोर जनसंपर्क मुहिम। आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद बीते दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने गुरहट्टा चौक स्थित गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण कर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत आगे आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने राय जयकृष्ण रोड, इसके साथ ही हमाम, पंद्रहवीं लेन, गुजरी बाजार, बौली आदि मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क मुहिम की शुरुआत की है, जहां पर आम लोगों को पार्टी की विचारधारा और उद्देश्य से अवगत कराया गया है। लक्ष्मीपति बालाजी ने साल 2020 के बाद
धोनी से बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं होने की कही बात। टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी ने अपने टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि धोनी का क्रिकेट में गहरा प्रभाव है और साल 2000 के बाद धोनी से बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है। धोनी के 15 अगस्त को अचानक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर संन्यास लेने के बाद बालाजी के अनुसार कुछ क्षण पहले ही धोनी उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने इतने बड़े फैसले की कोई भनक उन्हें नहीं लगने दी थी। वो संन्यास लेने के बाद भी काफी सामान्य थे। उन्होंने कहा है कि अभी भी अगर आखिरी ओवर में 20 से ज्यादा रन चाहिए होंगे और मुझे किसी बल्लेबाज को चलाना होगा तो मैं धोनी का नाम ही लूंगा। उनका इतना गहरा प्रभाव है, उनका नेतृत्व और बल्लेबाजी का तरीका बिल्कुल अलग है। व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर को मिला नया अपडेट। ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड यूजर के लिए नए अपडेट को रोल किया है। सभी एंड्रॉइड यूजर के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करने के लिए यूजर को गूगल प्ले स्टोर से अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अपडेट करना होगा। व्हाट्सएप के इस नए अपडेट में यूजर को चैटिंग और ग्रुप वीडियो कॉलिंग का नया एक्सपीरियंस मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार इसके आने से ग्रुप कॉलिंग के लिए खास रिंगटोन सेट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जिससे वर्क फ्रॉम होम के दौरान ऑफिस के नोटिफिकेशन को वक्त रहते हासिल करने में काफी आसानी मिलेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिलीप यादव, राम कैलाश यादव, राजेश कुमार, आशीष कुमार, प्रजापति, रामजी यादव, पूजा कुमारी ऑफिशियल, आनंद गोस्वामी, धर्मेंद्र यादव, अभिमन्यु कुमार, सोनू कुमार, संजीव कुमार, रिंकी निराला, राकेश कुमार, चिंटू शर्मा, नीरज कुमार, धीरज कुमार, दर्शन कुमार, लड्डू कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, एनडीए की, महागठबंधन या किसी तीसरे मोर्चे की? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।